आपको अपने स्मार्टफोन को अपने इशारों पर चलाना है, यानी कि बिना टच के हुए आपको अपने फ़ोन को चलाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, तो यार मैं टच करके अपना फ़ोन चला रहा हूँ, लेकिन आपको बिना टच के हुए अपने स्मार्टफोन को चलाना है दोस्तों। छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टेक दुनिया में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्ले। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जाना अपने प्ले स्टोर पर, और स्पेटियल टच नाम की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेना, काफ़ी बढ़िया रेटिंग भी है इस एप्लीकेशन की, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ही होगा। तो आपको यहाँ पर जो भी परमिशन मांगता है परमिशन दे देना है, और यहाँ पर आपको पर्पज अल यूजेज और इसे एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद एसेसिबिलिटी में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर एसेसिबिलिटी सेटिंग में जाइए, और आपकी जो फ़ोन की जो एसेसिबिलिटी सेटिंग है उसे ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। अब आपको दोस्तों क्या आना है, आपको डाउनलोड एप्स वाले ऑप्शंस में आ जाना है। यहाँ पर स्पेटियल टच का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर आपको इस परमिशंस को ऑन कर देना है, और ये यहाँ पर आ जाएगा, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसमें थ्री फिंगर दिखाया हुआ है, यानी कि लेट्स लर्न थ्री जेस्टर्स फॉर स्पेटियल टच, ठीक है। यानी कि 50 से 100 सेंटीमीटर के दायरे में ही ये काम करेगा, ये नहीं कि आप बैठे हो कहीं और जा रहे हो कहीं और, ठीक है, मतलब इतनी दूर काम नहीं करेगा। पहले बता रहा हूँ, मात्र 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के दायरे में काम करेगा। मैं यस आई एम रेडी पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर बताया गया भाई बेसिक पोज, अब यहाँ पर आपको पोज क्या क्या देने हैं वो यहाँ पर बताए गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक उंगली यहाँ पर दिखाया गया है, सिर्फ एक उंगली, ठीक है, एक उंगली यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पर अब एक उंगली यहाँ पर दिखाता हूँ अपनी, और आपका जो फेस है ये आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ग्रीन यहाँ पर आ गया, देखिए ग्रीन फिंगर होने लगी मेरी, और यहाँ पर वेल्डन लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो हमारा पहला जो बेसिक पोज है ये पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है अपनी उंगली को जिस तरीके से वीडियो में बताया गया है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर वीडियो में बताया गया है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर वीडियो में बताया गया है, ठीक है। ऐसे देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया कि आपको दो फिंगर को करना है, लेकिन दो फिंगर को जब भी आप करोगे तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रीन सा आना चाहिए, ग्रीन फिंगर आपकी तो आने चाहिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेट्स आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको सिर्फ एक बार फेस दिखाना अपना, तो टाइम ऑटो ऑफ टाइमर भी दिया हुआ है, 2 hour, नेवर 1 hour, 2 hour, 3, जितना मर्जी आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अब अनेबल इन एनी ऐप, तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पैक लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपना फेस दिखाता हूँ एप्लीकेशन, अब आपको चला के दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो ये 50 से 100 सेंटीमीटर के दायरे में ही आपकी वो मांगता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका गैप होना। सो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अपने एक फिंगर को अगर आप करोगे ऊपर की तरफ करोगे तो स्वाइप हो जाएगी, ठीक से, जो भी रील्स है, शॉर्ट वीडियोस हैं। और अगर आप अपनी दो फिंगर को अगर आप नीचे की तरफ करते हो तो ये प्रीवियस वीडियो देखने शुरू हो जाएगी, और एक फिंगर से नेक्स्ट वीडियो देखना शुरू हो जाएगी। सो इस तरीके से ये ट्रिक्स है दोस्तों, काम करेगी दोस्तों।